हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमाद और आप देख रहे हैं स्मॉल टेक चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को यह बात मालूम होगा अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे रीसेट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है रीसेट करने से आपका फ़ोन का जो डेटा है वो पूरा डिलीट नहीं होता। आपका फ़ोन का जितना भी डेटा है वो आप चाहे तो उसको दोबारा फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ोन को हमेशा हार्ड रीसेट करना, किसी को सेल करने से पहले या फिर कोई और चीज़ के लिए आपको हमेशा फ़ोन को हार्ड रीसेट करना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, आप अपना सैमसंग फ़ोन को कैसे हार्ड रीसेट कर सकते हैं, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मेरा हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus। डिवाइस को रीसेट करने से पहले आप अपना जो कीमती डाटा है आप उसको बैकअप बना लेंगे। बैकअप बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं अकाउंट्स एंड बैकअप, आप सिंपली इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं बैकअप एंड रीस्टोर, आप सिंपली इस पर टैप करेंगे। उसके बाद बैकअप डाटा, आप इस पर टैप करके आप अपना कीमती डाटा को बैकअप कर लेंगे। बैकअप करने के बाद आप अपना डिवाइस को सिंपली पावर ऑफ करेंगे। तो चलिए मैं अपना डिवाइस को पावर ऑफ कर लेता हूँ। पावर ऑफ होने के बाद आप सिंपली 5 सेकंड तक वेट करेंगे। 5 सेकंड वेट करने के बाद आप अपना डिवाइस का पावर ऑन करने का बटन और बिक्सबी बटन और वॉल्यूम अप करने का, ये तीनों बटन को आप एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। होल्ड करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप वॉल्यूम डाउन वाला बटन को प्रेस करते जाएंगे। वॉल्यूम डाउन वाला बटन प्रेस करते करते आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, आप इस पर पावर बटन को एक बार दबाएंगे। दबाते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, कैंसिल एंड फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो चलिए आप वॉल्यूम डाउन वाला बटन को क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद आप फिर से पावर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका डिवाइस बूट होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिवाइस सक्सेसफुली रीसेट हो गया है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मेरा फोन। फोन रीसेट होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपको सेटिंग करना होगा अपने फोन को। तो चलिए मैं फटाफट इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आप ये सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक APN आ जाएगा, आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। स्किप करने के बाद आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो अभी चेकिंग हो रहा है, इसमें आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट चेकिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है उसका डाटा आप इस फोन में लेना चाहते हैं तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको डोंट कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो Gmail ID है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, इसमें आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक और न्यू पेज आएगा, आप चाहो तो यहाँ से अभी Email ID क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, फिर से इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आप इसको ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। जाने के बाद फिर इसको ऐप सेट करेंगे। ऐप सेट करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट, फेस ID, आईडी स्कैनर, पैटर्न आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको स्किप कर लेता हूँ, फिर से इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद अगर आप सैमसंग का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए मैं बाद में बनाऊँगा, अभी इसको स्किप कर लेते हैं, फिर से इसको स्किप कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया ऑल डन, आप सिंपली इसको फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। फिनिश बटन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस सक्सेसफुली रीसेट हो गया है। आई होप दोस्तों मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना और अपने फैमिली के साथ शेयर करना, और अभी भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side.